महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर चरम पर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,216 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ताज़ा कोरोना केस मिलाकर महाराष्ट्र में कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा 88,838 पहुंच गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना मामले में वृद्धि हो रही है, जिसमें अधिकारियों को राज्य में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से पेश आने के लिए मजबूर कर दिया है। मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य कोरोना का हॉटस्पॉट था, वहीं शुक्रवार को एक दिन के अंदर कुल 1,173 नए मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई है। महाराष्ट्र राज्य ने आज कुल 53 कोविड पॉजिटिव की मौत की सूचना है, जिसके बाद कोरोना से मृत्यु दर 2.38% तक पहुंच गई है। अब तक दर्ज किए गए 1,66,886 लैब नमूनों में से 21,98,399 का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। वर्तमान समय में 4,10,411 लोग होम आइसोलेशन में और 4,203 लोग राज्य में संस्थागत आइसोलेशन में हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में 6,467 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक ने देश में ताज़ा मामलों में 85% से अधिक का हिस्सा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।